ऑल इंडिया ग्राफिक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा रुड़की के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें केरला स्टेट के पदाधिकारी मौजूद रहे। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि ग्रेफ से रिटायर हुए कर्मचारियों को भूतपूर्व सैनिकों का दर्जा दिया जाता है। सैनिकों की भांति मिलने वाली उनकी तमाम सुविधाएं भी ग्रेफ कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि ग्रेफ से रिटायर हुए कर्मचारियों को भूतपूर्व सैनिकों का दर्जा दिया जाए, साथ ही सैनिकों की भांति मिलने वाली तमाम सुविधाएं भी ग्रेफ कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। दरअसल आपको बता दें कि सेवानिवृत्त ग्रेफ कर्मचारियों की कल्याण संस्थान में छमाही महासभा का आयोजन किया गया था, जिसके बाद संस्था के पदाधिकारियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। पदाधिकारियों ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि एक सर्विसमैन ग्रीफ कर्मचारी ऑल इंडिया का ऑफिस केरला में है और पूरे भारत में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से गुहार लगाते हैं कि उन्हें भी समान दर्जा दिया जाए। ग्रेफ कर्मचारियों को भूतपूर्व सैनिकों का दर्जा देना गृहकर में छूट देने की मांग की गई है। साथ ही कई अन्य समस्याओं पर विचार विमर्श करने के बाद कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से कई बार ग्रेफ कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने का आश्वासन मिल चुका है, लेकिन अभी तक उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। लाइव उत्तराखंड के लिए रुड़की से संदीप चौधरी की रिपोर्ट। हम अभी इधर आया, ये स्टेट को स्ट्रेंथन करने के लिए इधर आया था। ये हमको इसमें निवेदन करता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री को, ग्रफ आर्मी का हिस्सा है, इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर्मी होते हुए ग्रफ को पूरा सुविधा ग्रफ सर्विस वाले को भी ग्रफ पेंशनर्स वाले को भी नहीं दे, वो देने के लिए हम ये प्रधानमंत्री जी को भी और रक्षा मंत्री जी को भी निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है। 1983 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हुआ था, श्री विश्व जस्टिस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया गया था ग्रेफ को पार विथ आर्मी सब सुविधाएं देना चाहिए, लेकिन अभी 36 साल हो रहा है, अभी तक वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसके ऊपर में अभी तक कोई खास कदम नहीं उठाया गया है। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।